सबसे पहले तो मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ हकायक न्यूज़ का कि आप जो पाकिस्तानी जो भी फंक्शन होता है उसको कवर करते हैं। आज ये अफ्तारी रखी थी चौधरी खालिद साहब ने यहाँ, तो कम्युनिटी के बहुत सारे लोग जमा थे, माशाल्लाह हर पार्टी के लोग जमा थे और अच्छी भरपूर कवरेज थी, शिरकत लोगों ने की हुई थी, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। और मैं चाहता हूँ कि ऐसी गैदरिंग जो है वो हर टाइम होती रहे, या पाकिस्तान सोशल सेंटर शारजा के छत के नीचे ऐसे लोग मिलजुल के रहें। और आखिर में मैं मैसेज दूंगा कि जो भी पाकिस्तानी है यहाँ, अपने हर पाकिस्तानी अपने मुल्क का सफ़ीर होता है, जो भी यहाँ इस मुल्क के कानून का एहतराम करें और यहाँ कोई ऐसी बात ना करें जिससे हमारे मुल्क का नाम बदनाम हो, और जो पैसा है वो अपने मुल्क में बैंक के ज़रिए भेजे ताकि हमारा मुल्क जो है ऊपर जाए। पाकिस्तानियों का जो घर है उसके सदर जनाब खालिद हुसैन चौधरी साहब ने आज पाकिस्तानियों के और कम्युनिटी की चीदा चीदा शख्सियात के एहसाज़ में जो है वो आज इफ्तार का अहतमाम किया था, तो बहुत सारे कम्युनिटी के लोग यहाँ मौजूद थे। दो साल के बाद कोरोना की वजह से जो है वो नहीं हो सकी थी तकरीब, तलमदल हुई है, बहुत अच्छा लगा लोगों से मुलाकात करने के बाद। और मैं यही चाहूँगा कि ईद भी करीब है तो अपने पाकिस्तानियों से कि एक दूसरे का साथ दें, इत्तेहाद और इत्तेफाक़ से रहें, अपने पाकिस्तानी भाई बहनों को याद रखें, पाकिस्तान में भी याद रखें, यहाँ भी याद रखें, और जितना हो सके पाकिस्तान का नाम रोशन कर सकें। शुक्रिया। समझता हूँ ये एक ऐसा मौका है, एक माह रमज़ान का महीना भी है, बरकतें भी हैं, रहमतें भी हैं, और दूसरा चौधरी खालिद साहब तो हमेशा ही सोशल सेंटर शारजा के प्रेसिडेंट हैं और सोशल काम भी करते रहते हैं, हमेशा इस तरह के मौके फ्राहम करते रहते हैं जिसमें बिज़नेस कम्युनिटी हो या कोई सियासी के लोग हों, हर पार्टी से तलक रखने वाले सारे जो ना इस छत के नीचे इकट्ठे हो जाते हैं। ये एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी हमारे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह, ये अल्लाह का बहुत बड़ा करम है कि रमज़ान का आखिरी अशरा और चौधरी खालिद हुसैन साहब जो पाकिस्तान सोशल सेंटर शारजा के सदर हैं, उन्होंने माशाल्लाह एक बहुत अच्छा इफ्तार का अरेंज किया। और आज के जो चीफ़ गेस्ट हिज एक्सीलेंसी हसन अफजाल ख़ान और पाकिस्तान की तकरीबन सारी कम्युनिटी यहाँ शामिल हुई, और मैंने खुद नोटिस किया कि माशाल्लाह सारे के सारे पॉलिटिक्स से रिलेटेड लोग यहाँ आए। और ये सेंटर की बहुत खूबसूरती है कि यहाँ हर तबका फ़िक्र का आदमी आता है बग़ैर जेन से निकाले हुए रिलीजन को, पॉलिटिक्स को। और जैसा कि हम जानते हैं कि 1.6 मिलियन पाकिस्तानी यहाँ रहते हैं, तो शारजा इज़ डीलिंग और जो मेजॉरिटी ऑफ पाकिस्तानी यहाँ शारजा में ही रहते हैं, तो इसकी बरकत से दुआएं हैं कि यहाँ लोग आते रहें और इस तरह की बाबरकत महफलों में पाकिस्तान की तरक्की के लिए दुआ करते रहें। पाकिस्तानी कम्युनिटी से यहाँ पे सब दोस्तों को चौधरी खालिद हुसैन साहब ने यहाँ पर मदु किया इफ्तार पर, बहुत अच्छा लगा। एक तो ये मजहबी फरीज़ा है हमारा एक दूसरे को इफ्तार कराना, और उसमें सारी पाकिस्तानी कम्युनिटी की मुलाकात हो जाती है, ये बड़ा अच्छा रहा। बहुत अच्छा इंतज़ाम किया था इन्होंने यहाँ पे, खाने का भी बड़ा अच्छा इंतज़ाम था, इफ्तार का बड़ा अच्छा इंतज़ाम था। हमारे तमाम दोस्त पूरी यूनाइटेड अरब एमिरेट से लोग आए हुए थे जिनसे मुलाकात हो गई, ये बड़ा अच्छा माशाल्लाह इन्होंने। मैं हमेशा की तरह समझता हूँ कि पाकिस्तान सोशल सेंटर ने
बड़ा ज़बरदस्त इफ्तार इंतज़ाम किया इफ्तार का और पूरी पाकिस्तानी कम्युनिटी को इकट्ठा किया। तो ये माह रमज़ान का जो महीना होता है बरकतों वाला, स्वाब भी मिलता है और दूसरा इससे अपने भाईचारा बढ़ता है, सब हम इकट्ठे होते हैं। तो मैं शुक्रिया अदा करता हूँ चौधरी खालिद साहब और उनकी पूरी टीम का कि आज भी उन्होंने बहुत अच्छा इंतज़ाम किया। चौधरी खालिद हुसैन साहब ने पाकिस्तान कम्युनिटी के एजाज़ में बेहतरीन अफ्तारी का प्रोग्राम किया था। सबसे पहले तो मैं चौधरी साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि मुझे भी दावत दिया, और अल्लाह चौधरी साहब को हमेशा सलामत रखे। मैं पाकिस्तान में तमाम पाकिस्तानियों को ये दरख्वास्त करता हूँ कि पाकिस्तान में जितना भी आप सबके इर्द गिर्द जितना भी करीब यतीम है, बेबस लोग है, ईद आने वाला है, अपने ये खुशियों में ये बेबस और यतीम लोगों को अपने खुशी में हरगज़ न भूलें और अपने ये खुशियों में ज़रूर याद करें। शुक्रिया। आज शारजा सोशल सेंटर जो है खालिद हुसैन साहब की जो है सदारत में एक बड़ा ही खूबसूरत इनिशिएटिव है। उन्होंने कोविड की रिस्ट्रिक्शंस के बाद दोबारा पाकिस्तानी कम्युनिटी को इकट्ठा किया और ये आज एक गुलदस्ते की मानंद है क्योंकि यहाँ पर हर मकतब फ़िक्र के लोग जो है मौजूद हैं और हमने सब मिल के जो है आज इफ्तार की है। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज अल्हम्दुलिल्लाह शारजा सोशल सेंटर में चौधरी खालिद का प्रोग्राम इनेकद हुआ है। बहुत अच्छा प्रोग्राम है। पाकिस्तान कम्युनिटी के सारे लोग आए हुए हैं, बिज़नेस कम्युनिटी, सोशल कम्युनिटी, मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टी से लोग आए हुए हैं, हमारे सीजी साहब भी मौजूद है। तो एक बहुत अच्छा माहौल है, बहुत अच्छा गेट टुगेदर हो गया है, लोगों से मुलाकात हो गई। बिल्कुल वो ऐसा आज लग रहा है जिस तरह ईद करीब आ रही है, क्योंकि 20 रोज़े गुजर गए तो एक डिफरेंट माहौल बन रहा है। तो हम चौधरी साहब के बड़े शुक्रगुजार हैं कि वो हर साल इसी तरह का प्रोग्राम मुनक्कद करते हैं और सब पाकिस्तानियों को इकट्ठा करते हैं। जी मैं पाकिस्तान सोशल सेंटर शारजा, उनकी तमाम एडमिनिस्ट्रेशन, मेरे साथ राजा साहब मौजूद हैं, इन सब का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि इन्होंने एक बड़े नंबर पे पाकिस्तान कम्युनिटी के मेम्बरान को यहाँ बुलाया और एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के इफ्तार का एहतमाम किया है। और हमारी कम्युनिटी माशाल्लाह जी यूएई के अंदर एक बहुत अहम रोल प्ले कर रही है और पाकिस्तान की इकॉनमी के अंदर भी इनका बहुत अहम रोल है। सो इस महीने की मुनासबत से मैं ये उम्मीद भी रखता हूँ, मैं ये दुआ भी करता हूँ कि हम सब जहाँ एक तरफ रमज़ान के जो समरात हैं उनसे मुस्तफीद हों, वहाँ अल्लाह मियाँ हमारे मुल्क की भी सलामती और तरक्की में अल्लाह मियाँ हमारी इस दुआ को कबूल करें। रहमानुर्रहीम। सबसे पहले जी मैं आज के दिन अपने जितने भी हमारे यहाँ पर मकीम पाकिस्तानी उन सबको और मुसलमान हैं उन सबको रमज़ान मुबारक, और साथ ही साथ जो है आज हम लोगों ने यहाँ पे इफ्तार डिनर का प्रोग्राम रखा हुआ था जिसमें हर मकतबा फ़िक्र के लोग यहाँ पे मौजूद थे और काफ़ी अर्सा के बाद जो है पाकिस्तानी कम्युनिटी आज यहाँ पर शारजा सेंटर के अंदर इकट्ठी हुई है। बड़ी खुशी भी हुई है क्योंकि कोविड के बाद जो है वो इस तरह की गेट टुगेदरिंग अब दोबारा से रौनक जो है वो बहाल होगी। और मैं साथ ही ये कहना चाहूँगा हमारे जितने मुहैया हजरात हैं इस बाबरकत महीने में भी और ईद के जो खुशियों का मौका आ रहा है उस पर भी अपने से जितने भी कमज़ोर लोग हैं उन सब का ख्याल रखें, उनको अपनी खुशियों में अपने साथ रखें।